नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं आलोक शुक्ला और साथ में है आज मेरी वाइफ जो वर्तमान में भूमि अध्याप्ति राजस्व परिषद कलेक्ट्रेट में कार्यरत हैं, और आज आपको बताने वाली हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 पद के लिए सारे ही वो स्ट्रेटेजी, सब कुछ जो ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप लोग हमेशा डिमांड करते रहते हो, एक ऐसा व्यक्ति बताए जो उस पद पर खुद कार्यरत हो, वहाँ पर उसके बारे में समझता हो और उसका एक अनुभव हो और वहाँ से सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, मैम बोलो, भाभी बोलो, दीदी बोलो, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप वैसे इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनके बारे में आपको बता दूं तो ये अभी इस वीडियो में हम लोग क्या बताने वाले हैं इसके बारे में बाद में बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 2016 बैच से ये सिलेक्टेड है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको देखा जाए तो ये फोटो भी आपको जो लगी हुई है, नियुक्ति आदेश जो वितरण हुआ था, तो आप लोग भी यहाँ पे पहुंचोगे, आप लोग को भी मिलेगा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे स्टेजेस क्लियर करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं पहुंच जाओगे। क्यों प्रिया जी, आप यहाँ पे इन्हें बताते रहिए कि कैसी चीजें हैं। एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, ये जैसे अभी इसमें वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका कि जो टॉप 5 विभाग है, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है, मैं देख रहा हूँ प्रिया यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये करते हैं कि सर कौन सा विभाग चुना जाए। हालांकि अभी ये क्वेश्चन आपके परेशान होने वाली नहीं है, ये बाद में आएगा, हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे कैसे बने, यहाँ पे आप देखेंगे तो आलोक सर की वाइफ से जाने जूनियर असिस्टेंट 5512 पद के लिए कैसे बने और मेरा चयन कैसे हुआ, मतलब कि ये बोल रही है कि इनका चयन कैसे हुआ और आपको बताएंगे कि इनका चयन कैसे हुआ है, एक एक चीज आपको यहाँ पे बताने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अभी जूनियर असिस्टेंट का बैच मात्र 499 में चल रहा है, 699 की प्राइस से 400 में मिल रहा है, बट अभी होली के दरमियान आपका होली कोड लगाएंगे तो आपका 50% ऑफ हो जाएगा। और होली से याद आया भाई, आप सभी को हम दोनों की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी, मना रहे होंगे, और अब जल्दी जल्दी होली की छुट्टियों से बाहर आके अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है, नौकरी पानी है, जितनी भी आपकी बंदिशें हैं उससे दूर आना है। नौकरी ना पाने और नौकरी पाने के बाद कि लाइफ बहुत अंतर होती है, आप देख भी सकते होंगे चेहरे की चमक से कि कितना अंतर होता है नौकरी लगने के बाद। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये खुशी और ऐसी सारी चीज़ें आपके अंदर भी आए, और अब भी वो जो बोला था ना कि अब मैं सफल हुआ, आप खुद को कह पाते हो कि नहीं अब मैं एक ऐसी जगह पर पहुँचा हूँ जहाँ पर मेरी डिग्निटी है, जहाँ पर मेरी पहचान है, खुद की पहचान है, ये आप बोल सकते हो। ये नहीं बोलेंगे नहीं मैं अब मेरे नाम से जानी जाती हैं, अपने नाम से जानी जाती हैं, अपनी पहचान से जानी जाती है, और हर व्यक्ति, हर चाहे मैं किसी भाई की बात करूं चाहे बहन की बात करूं, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। सारी बातें लोग चर्चा करेंगे। तो पूना भाई, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और ये कोड 65% तक ऑफ है, होली कोड लगाना मत भूलिएगा, किसी भी कोर्स में परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं। इसमें आपको ये किताबें मिल रही हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं। आते हैं हम लोग इस वीडियो के मुख्य पार्ट पे, जो जिसका आप लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो, और इस वीडियो का मुख्य पार्ट ये है कि हम इसके बारे में रिटर्न पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, टाइपिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डीबी के पोस्ट प्रेफरेंस, ज्वाइनिंग, वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में, मतलब मैंने बोला ना कि ए टू जेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब कुछ बोलने वाली कौन है आपकी, जो भी मैंने बोला ना, मैम बोल लो, दीदी बोल लो, भाभी बोल लो, जो भी आपको समझ में है वैसा आप बोलो, बताने वाली है। तो प्रिया, मैं सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों के जो दिमाग में आता है कि जैसे जब आपका सिलेक्शन हुआ था, 2016 बैच की है ये, मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आपके में इंटरव्यू भी था, आपके में एकेडमी भी जुड़ता था, आपके में कुछ स्पोर्ट्स कोटा वाला भी मेरे ख्याल से जुड़ता था, और आपके में 80 क्वेश्चन होते थे, 40 नंबर का होता था। अभी बीच में फिर पैटर्न बदला था, जहाँ पे 130 क्वेश्चन होते थे, 65 नंबर का होता था, उसमें शायद एकेडमिक जुड़ता था, नहीं जुड़ता था, मुझे ध्यान नहीं, जुड़ता था एकेडमिक जुड़ता था, बट स्पोर्ट्स कोटा वाला नहीं जुड़ता था। उसके बाद फिर पैटर्न बदला है, जब आपका मुख्य परीक्षा और बिल्कुल सिलेबस भी बदल दिया गया है, और अब आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं, जिसमें से जब आपका हुआ था तो मेरे ख्याल से जीएस, रीजनिंग और हिंदी पूछता था केवल, अब कंप्यूटर और यूपी का भी इसको बढ़ गया है। जैसे अगर आप पैटर्न देखो यहाँ पे, ये जो नया पैटर्न है, तो 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का है, 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, 20 क्वेश्चन आपका जीएस का है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, 20 क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी का है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि आपके समय में क्या क्या था बच्चों के लिए, मतलब मैं अगर पूछूं कि आपका पैटर्न ज्यादा आसान था कि ये वाला पैटर्न ज्यादा आसान लग रहा है, बच्चे कहाँ पे सहूलियत होंगे और कहाँ पे चयन लेना ज्यादा आसान है, थोड़ा सा आप लोग बच्चों, आप थोड़ा बच्चों को बताइए। जी, तो जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर आता था उसमें 80 क्वेश्चन थे, जिनके प्राप्तांक जो थे, मार्क्स थे वो 40 नंबर थे, और इसमें 30 नंबर के एजुकेशनल मार्क्स होते थे, इसके अलावा 25 नंबर का इंटरव्यू था और 5 नंबर के
जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए मार्क्स होते थे, तो जो 5 नंबर जो होते थे उसमें अगर आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 5 नंबर मिलते थे, जनपद स्तर के हैं तो 4 नंबर मिलते थे। इस तरीके से 5 नंबर जो होते थे वो अगर आम व्यक्ति के लिए कहा जाए तो वे बिल्कुल बेकार हो जाते थे। यानी जो हमारा 100 नंबर का पेपर है वो अगर कायदे से देखा जाए तो हम जैसे आम जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए केवल 95 नंबर से में ही कॉम्पिटिशन रह जाता था। कह तो रही हैं आम स्टूडेंट, बट ये आम स्टूडेंट नहीं है, मैं इन्हें बता दूँ, अभी लगातार 2 बार से पीसेस मीन्स भी लिख रही हैं। पिछली बार भी समीक्षा अधिकारी में केवल 1 नंबर से हुआ था और इस बार भी बहुत अच्छे नंबर थे, जो आपका पुनः परीक्षा हो रहा है। तो ये आम बोल रही हैं, आम है नहीं, आप इनके बातों में मत आइए, बट आप सुनते रहिए जी। और जो 25 नंबर का इंटरव्यू होता था, तो देखिए इंटरव्यू जो होता है वो कहीं ना कहीं लक फैक्टर पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है, क्योंकि इंटरव्यू हॉल में हम जब जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि वापस आने के बाद हमारे मार्क्स किस तरीके के मिलेंगे, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है वहाँ के पैनल पर। कई बार पैनल जो होता है वो अच्छे मार्क्स देता है और कई बार पैनल बहुत अच्छा करने पर भी मार्क्स आपको पैनल से बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ हमारा जो एग्ज़ाम होता था वो कहीं ना कहीं लक फैक्टर और 5 नंबर का जो मैंने आपको बताया खिलाड़ी वाला, उसमें करके हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था मार्क्स को गेन करना। बट जो अभी का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी के पैटर्न में जो है जो कम्प्लीट है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड है, यानी जितना कुछ भी है वो आपके रिटन एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से बेहतर मार्क्स पा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पुराना जो पैटर्न था वो ईजी था या टफ था, या अभी जो है वो ईजी है या टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए हमेशा चीज़ें एक जैसी ही रहती हैं। प्रिया, मेरे हिसाब से जैसे आपके में क्या था कि इंटरव्यू था, तो जैसा कि आपने बोला कि एक लक फैक्टर काम करता था, जरूरी नहीं है कि एक पैनल जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आपको अच्छा नंबर दो, दूसरे वाले को भी अच्छा नंबर दो, उसे खराब नंबर भी दे सकता है, वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता था। लेकिन यहाँ पे कम से कम बच्चों के हाथ में है, जो मुझे समझ में आता है कि वहाँ पे लक था बट यहाँ पे टोटल आपकी मेहनत है। और कुछ पार्ट जैसे अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश विशेष नया लगाया गया है, कंप्यूटर यहाँ पे नया विषय आया है और हिंदी तो मान लो पहले से था, ये हिंदी की बात करें, रीजनिंग की बात करें, कंप्यूटर की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, ये स्कोरिंग पार्ट है। मतलब अगर इनको जोड़ेंगे तो 80 नंबर हो रहे हैं और 80 नंबर एक स्कोरिंग पार्ट है। अगर यहां पे मेहनत कर सकते हो तो अच्छा खासा नंबर हो आप ला सकते हो। इन लोगों को एकेडमिक, इंटरव्यू और बोल सकते हैं कि रिटन नंबर सब जोड़ के भी 100 में 79-78 कट ऑफ गए थे। आप लोगों के साथ कई लोग थे तो उनमें ये था कि रिटन एजुकेशनल मार्क्स उनके बहुत ज्यादा नहीं थे, आधे आधे नंबर का रिटन में अंतर था, फिर भी वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए थे। बट यहाँ पे 80 नंबर आपका स्कोरिंग पार्ट है। हाँ, जीएस के लिए मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, जैसे हाल में आप पैटर्न देख रही होंगी, आप तो यूपीपीएससी का भी पेपर लगातार दे रही हैं, आप SS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 
बैकेंड पे हिंदी के क्वेश्चन हुए, जीएस के क्वेश्चन हुए, अक्सर ये फ्रेम करती रहती हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो बैकेंड पे मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं, और ये सब कुछ आपके लिए, ये ऐसी काम करने वाली परीक्षा प्रश्न है जो बिना पैसे के काम करती हैं हालांकि जो के पार्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जीएस का पोर्शन देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी ने और इसका रीजनिंग का अचानक 2-3 वर्षों में या 2-3 पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कठिनाई उन्हें झेलनी पड़ती है, लेकिन ये फिर भी आपके हाथ में है। इंटरव्यू अगर देखा जाए तो इंटरव्यू तो बिल्कुल अनसर्टेन है। मैं कह रहा हूँ कि जो मैथ साइड वाला बच्चा होगा वो थोड़ा बहुत रीजनिंग में 15 में 15 नहीं कर पाएगा, थोड़ा टाइम का इशू आता है, लेकिन अगर मैथ साइड का बच्चा है तो बाकी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से जीएस के ही है, वहाँ पे तो टाइम सेव होता है और 2 घंटे का पेपर भी है ना प्रिया। जो जीएस का पैटर्न है वो यूपी ट्रिपल एससी का हमेशा से ऐसा रहा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे जरूर आते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, मतलब वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम लोग के एग्जाम में भी इस तरीके का एक पैट क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि नाथूराम गोडसे के 3 भाइयों के नाम बताइए, तो वो हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसे भाई कोई भी नहीं बता सकता है कि 3 भाइयों के नाम क्या थे। तो इस तरीके के कई क्वेश्चंस हैं जो यूपी ट्रिपल एससी हमेशा से पूछता आया है और अभी भी वही पैटर्न चल रहा है। बिल्कुल, तो जीएस वही मैं कह रहा हूँ, जीएस आपके लिए कठिनाई है, और अधिकांश बच्चे मैंने देखा है कि जीएस में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे कम स्कोर करते हैं। लेकिन रणदीप तो मेरी रणनीति कहती है कंप्यूटर आसान आता है आप इसे अच्छे से पढ़ लो, यूपी बहुत कठिन नहीं आता आप इसे अच्छे से पढ़ लो, आप हिंदी अच्छे से पढ़ लो, हिंदी आप हर जगह यहाँ पे दोगे, आप समीक्षा अधिकारी का जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेपर देते हैं मेरे ख्याल से समीक्षा अधिकारी का पेपर आरओ तो भरते ही भरते हैं, तो आपको हिंदी वहां पे मदद करेगी बहुत हद तक, प्रीमियंस दोनों मदद करेगी, पत्र लेखन वगैरह यहां पे पूछता है। हिंदी आप अच्छे से पढ़ो, आप उत्तर प्रदेश पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, यही आपका नंबर दिला देगा। रीजनिंग अगर आप मैथ साइड के हो तो आपका 15 नंबर फ्री का है, नहीं 15 तो भी आप कम से कम 65 नंबर तो आप कर पा रहे हो, और अगर रीजनिंग आप कर पा रहे हो तो 80 पहुंच जा रहे हो। और यकीन मानिए जितने पद है आपका 5512,
आपको बताऊं कि ये जब 2016 वाली बैच से थी, ये जनरली अधीनस्थ के पेपर को नहीं देती थी, पीसीएस इनका मेन टारगेट था। बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं ऐसे भी थी, कई बार लक फैक्टर जैसा आप लोग भी बोलते रहते, इस चीज़ को इसी कारण से मैं गहराई से आपकी बातें समझ भी पाता हूं। एक एक नंबर से आधे नंबर से रुकता भी था। और जब इन्होंने दिया था 2016 में 562 वाली वैकेंसी थी आपकी ना शायद, 536 पद थे, 536 पद पे, और उस बार भी 2.5 लाख फॉर्म पड़ा था। आप ये समझिए कि आपके पास 5512 पद हैं और 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख लगभग एप्लीकेंट हैं, मतलब कि 10 गुना ज़्यादा पद है और आपसे कम एप्लीकेंट हैं। तो आपके लिए कंपटीशन तो इनके अगर कंपैरिजन किया जाए तो है ही नहीं कंपटीशन। और उसके बाद फिर आपका एकेडमिक नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, तो 80 नंबर अगर आप कर लोगे तो टॉप कर जाओगे आप UP SSC के पेपर में, समझ रहे हो? मतलब कि अगर आप 70-72 नंबर भी 100 में पा जाते हो तो आपका नौकरी 65 से 70 में भी, जो मेरा अनुमान है, अगर पेपर जैसा पूछता है वैसा पूछा जाएगा, तो आपकी नौकरी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी नौकरी ना लगे, आप 100% सिलेक्ट होगे। और जहां पे अभी प्रिया हैं आप भी यहां पे आओगे और सारी चीजें आप वैसे ही करोगे, लेकिन जो मेरी बात मानोगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि प्रिया की इन लोग में अगर एक कंट्रास्ट किया जाए तो आपके हाथ में, इसलिए दम लगा के आप मेहनत कर लो। इनके में सीन तो भी अलग था, आपके हाथ में सब कुछ है, आप मेहनत कर लो। दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं, जो दूसरा प्रश्न था इनका। दूसरा प्रश्न है टाइपिंग को लेकर, और सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। प्रिया मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि बच्चों को यह बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन अभी मैंने टाइपिंग ना स्टार्ट की है ना मैंने सीखा है, मैंने आज तक कंप्यूटर नहीं देखा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि आज तक मैंने कीबोर्ड को छुआ नहीं। तो क्या इस दरमियान, तैयारी के दरमियान वो टाइपिंग सीख सकते हैं? आपको कितना टाइम लगा था टाइपिंग, आप कब टाइपिंग सीखते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप UPSC की तैयारी कर रही थी, आप टाइपिंग वाइपिंग नहीं की थी, तो आपका रिटर्न निकलने के बाद ही आपने टाइपिंग आपने भी सीखा था। तो वही मैं चाह रहा हूँ कि आप बच्चों को बताइए कि थोड़ा सा उन्हें कॉन्फिडेंस आइए प्लीज़। देखिए, जब मेरा रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, मुझे ये लगा कि हाँ मेरा रिटन एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, उसके बाद से मैंने टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा क्वालिफाई होने वाला है या नहीं होने वाला है। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद मैंने टाइपिंग स्टार्ट की। और टाइपिंग सीखने में देखिए, मुझे बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आ सकती थी, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे आप जैसे होंगे जो मेरी स्थिति में ही होंगे, कई बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती होती है, तो आप उसी तरीके से समझिएगा। उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहाँ पर मैंने टाइपिंग करना स्टार्ट की। तो जब कोई चीज़ नई सीख रहे होते हैं तो थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से किसी काम को करते हैं तो आप मानिए कि आप 3 महीने में आराम से टाइपिंग सीख सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने 3 महीने में टाइपिंग सीख ली थी। उसके बाद थोड़ा कोविड, लर्निंग में कितना टाइम लगता है सर? लर्निंग का ही मैं बता रही हूँ, लर्निंग में ही जो है वो 3 महीने में आराम से, मैं बिगनर ही थी टाइपिंग के फील्ड में, मुझे टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती थी, उसके बाद भी मैंने 3 महीने में पूरी टाइपिंग सीखी थी। आपके सामने मुझे सर कह रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि सबसे ज़्यादा टाइपिंग जो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीखेंगे, वो करता है आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर। अगर आप में लगन है तो आप बहुत जल्दी टाइपिंग सीख सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैंने 3 महीने में टाइपिंग सीखी थी, लेकिन मैं उसी टाइपिंग की प्रैक्टिस लगभग 4-5 घंटे पर डे किया करती थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ 1 घंटे करके मैंने 3 महीने में टाइपिंग सीख ली, क्योंकि टाइपिंग की कुछ ब्रीफिंग देना चाहेंगी आप, जैसे क्या फॉन्ट क्या होता है जी, एक बार फॉन्ट के बारे में बता दीजिए। मंगल फॉन्ट और कृतिदेव दोनों ही फॉन्ट वहां पर चलते हैं। बाकी टाइपिंग की जो भी डिटेल होगी, अलग से वीडियो बना दी गई है, असल ने आपको बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, उसकी वीडियो की जो लिंक है इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी आप अगर कमेंट करोगे कि मैम या भाभी या दीदी जो भी है ना, आप चाहोगे कि ये वीडियो बनाए टाइपिंग को लेके, एक चीज़ आपको करें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ये अलग से वीडियो आपको टाइपिंग के लेके बना देगी। हम तीसरे प्रश्न पे आएंगे, DB और पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, DV के बारे में तो अभी से बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, क्योंकि ये जो होता है ये आपके चयन का अंतिम चरण होता है। और जब आपका DV की सिचुएशन आती है उस समय आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। जैसे मेरे समय में जब इंटरव्यू देने हम लोग गए थे उस समय फॉर्म भरने की एक प्रक्रिया होती है, उसी फॉर्म में जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आपकी प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो वो जब कंडीशन आएगी तब हम इस बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि आपको कौन सा विभाग चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभाग चूज़ करने में अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। मेरे साथ के भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और इसी वजह से परेशान है कि उन्होंने गलत विभाग चूज कर लिया, तो उस बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। डिपार्टमेंट को लेके मैं एक चीज और कहूंगा, जैसे इनके विभाग में ही इनके साथ वाले जितने भी चयनित बच्चे हैं अलग अलग विभाग में भी हैं, इनका तो विभाग ही है भूमि अध्याप्ति और बहुत ज्यादा
अगर इनके भी इनके बारे में सुन लोगे तो शायद आप भी रो दोगे जैसा ये रोती रहती हैं। और बहुत ही कठिन और बहुत ज़्यादा काम है यकीन मानिए राजस्व में। तो कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पे यकीनन सुबह बुला लेते हैं और लड़कों के लिए बहुत टफ है, जैसे राजस्व में ही है ये। और इनका अभी आप खुद अपने मुँह से बता दिए ताकि बच्चे समझ जाएँ कि जो मेल इम्प्लॉई हैं जेंट्स इम्प्लॉई हैं वो कितने बजे जाते हैं। देखिए वही बता रही हूँ कि मेल इम्प्लॉयज़ के लिए कई जगह दिक्कत हो जाती है क्योंकि इस समय वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। राजस्व विभाग एक ऐसा है जहाँ काम कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप डायरेक्ट जो है वो अधिकारियों के कांटेक्ट में रहते हैं। कलेक्ट्रेट में है तो कलेक्ट्रेट में जैसे सिटी मजिस्ट्रेट हुआ, एडीएम हुआ, एसडीएम हुआ, डीएम हुआ, सब लोग खोपड़ी में बैठे हैं। वो सारे अधिकारी जो होते हैं आपके वहीं ऑफिस में कलेक्ट्रेट में उपस्थित होते हैं, तो आपको हमेशा एक्टिव रहना होता है। और वर्कलोड का ये है, देखिए मैं तो महिला हूँ तो महिला होने के नाते जो है वो थोड़ा कंसीडर कर दिया जाता है टाइम लिमिट को लेकर, लेकिन डेढ़ घंटा वो भी खिंच जाता है। हाँ सर, मतलब हम लोग जिस समय भी जिस दिन 7 बजे से पहले मतलब घर पे आ जाए, मैं इंतजार करता रहता हूँ, बट 7 बजे से पहले नहीं आ पाती जबकि ऑफिस का टाइमिंग 5 बजे ही है। अच्छा, कारण इसका ये है मुझे लगता है कि जो अधिकारी होते हैं दिन भर इधर उधर काम निपटाते हैं, जिसका जो उसका कार्यभार उनका होता है वो शाम के बाद से स्टार्ट करते हैं कि अब चलो चलो हाँ एसएलए वाला भी काम निपटा लिया जाए, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, सिचुएशन ये है कि इस समय वर्कलोड सबके ऊपर है, शासन स्तर पर काम इतना ज़्यादा है कि अधिकारी भी दिन में व्यस्त रहते हैं, तो कई बार जो ऑफिस के काम हैं वो निपटाने के लिए शाम का समय बचता है। तो महिला होने के नाते हम लोगों को फ्री कर दिया जाता है कि भाई एक टाइम लिमिट होता है, अंधेरा हो जाता है, तो हम लोगों के इसलिए फ्री कर दिया जाता है। लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं, जो मेल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको रात में भी रुकना पड़ता है। मतलब अगर आप ये समझें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सरकारी दफ्तर है और हम बस जाएंगे 10 से 5 की नौकरी कर चले आएंगे और कुछ भी काम नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ विभाग हैं, जैसे मैं बोलूं कि अभी पॉलिटेक्निक में आप बाबू बन जाएं या किसी विद्यालय में अगर आप क्लर्क बन जाएं या डायट में पहुंच जाएं, है ना, बहुत सारे शिक्षा विभाग में भी है, अगर वहां पे पहुंचते हैं तो आप सुबह 7-8 बजे जाइए, 3 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद फिर ऐसे भी है कि आपका विंटर वेकेशन मिलता है, समर वेकेशन मिलता है। कुछ ऐसे भी पद हैं जहां पे आपको वाकई में जीवन में बहुत ही आनंद है, कोई भी, हालांकि आपकी लाइफ स्टाइल उस लेवल की नहीं हो पाएगी, वो आप समझ पा रहे होंगे, है ना, या पब्लिक डीलिंग आपकी नहीं हो पाएगी, बट आप अगर ये सोचते हो कि नहीं मैं बस अपनी सैलरी उठाऊं और मैं एक सुबह जाऊं और बहुत जल्दी मैं घर वापस आ जाऊं, एक आराम की जिंदगी जीऊं, छुट्टी मुझे बराबर मिलती रहे, तो ऐसे भी बहुत सारे विभाग हैं जो आप उन्हें चूज कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस और डीवी के लिए भी परेशान मत होइए। इसके लिए जवाब पहले आप रिटर्न निकालिए, रिटर्न के बाद आप टाइपिंग करिए, टाइपिंग निकालिए, फिर डीवी और पोस्ट प्रेफरेंस की एक एक पद आपको खुद फॉर्म भरवाऊंगा, हर बच्चे का फॉर्म भरवाऊंगा, मैं नहीं भरवाऊंगा तो प्रिया आपको खुद फॉर्म एक एक भरवाएंगी, हर जगह गाइड करेंगी, हर विभाग के बारे में बताएंगी, छोटी छोटी वीडियो सब बना देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आते हैं ज्वाइनिंग वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में। तो ज्वाइनिंग वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन मेरे ख्याल से पोस्ट प्रेफरेंस और डीबी पे ही निर्भर करता है। एक बार आप इन्हें बता दीजिए कि जैसे वर्क प्रोफाइल तो एक अलग से वीडियो भी बनी है और वो पद विभाग, क्योंकि जो वर्क प्रोफाइल है ये विभाग के अनुसार है, जिस विभाग में जाओगे उसके कार्य प्रणाली अलग अलग है, जैसे राजस्व में इन लोग के कार्य करने के तरीके अलग हैं। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि जैसे मैं समझ पा रहा हूँ प्रिया कि जूनियर असिस्टेंट का पद है तो आप टाइपिंग करना पड़ता है, कितना सहमत है, केवल टाइपिंग ही करना पड़ता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल टाइपिंग का काम नहीं रहता है, टाइपिंग एक पार्ट है जॉब का। जो भी प्रशासन स्तर पर या जो शिकायत करता है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, उस आधार पर जो भी पत्राचार होता है, वो पत्राचार अधिकारियों द्वारा आपसे कहा जाता है कि इसको आप कंप्लीट करिए। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मानसिक स्तर पर ये सोचना है कि वो पत्र कैसे बनेगा, साथ में आपने जो सोचा है वो अब पुराना जमाना नहीं रहा है जहाँ पर हमने हाथ से लिख के चिट्ठियाँ बना दी, तो वहाँ हमें टाइपिंग करनी होती है, इसलिए हमें टाइपिंग आना ज़रूरी होता है। तो आदेश वगैरह टाइप करने पड़ते हैं, आदेश वगैरह आपको खुद टाइप ही नहीं करने पड़ते, खुद से सोच के लिखने पड़ते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ पत्र लेखन वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है जिस विभाग में जाएंगे, चाहे आप राजस्व में जाएंगे, चाहे आप बोल सकते हैं सिंचाई विभाग में जाएंगे, चाहे आप यहाँ पे जो ये है रजिस्ट्री स्टाम्प वाला विभाग है ना, निबंधन वाला, इसमें जाएंगे आप, किसी विभाग में जाएंगे आपको ये सब काम करने ही रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें एक अलग अलग वीडियो बना देंगे। प्रमोशन की बात है तो एक बार बता दीजिए कि प्रमोशन क्या है और इस बार सैलरी बच्चे क्या पाएंगे, ये बता दीजिए कि जब ये ज्वाइन करेंगे तो लगभग। प्रमोशन तो अभी कनिष्ठ सहायक 2000 ग्रेड पे का की जॉब है, उसके बाद वरिष्ठ सहायक की पोस्ट पर होता है जहाँ सीधे 2800 ग्रेड पे मिलता है। ये और बहुत अच्छी बात है कि 2000 के बाद सीधा आपको 2800 ग्रेड पे, मतलब ये बहुत बड़ा जंप आपको सैलरी में देखने को मिलेगा। अभी इनिशियल सैलरी क्या है? जी इनिशियल सैलरी 21,700 जो है वो हमारा बेसिक पे है और इस समय 50% डीए कर दिया गया है, तो वो 50% हमारी सैलरी में ऐड हो जाता है, प्लस आपको जो एचआरए वगैरह मिलता है आपकी सिटी वाइज, अगर आप ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जिस तरीके की सिटी में हैं वो आपको एचआरए मिलता है। जैसे कि इस पोस्ट पर जो है अगर आप लखनऊ, बरेली इस तरीके के जिलों में हैं तो आपको 2400 रुपये एचआरए मिलता है, अगर आप बी ग्रेड सिटी में हैं तो आपको 1200 रुपये और अगर आप सी ग्रेड सिटी में हैं तो आपको 800 रुपये एचआरए मिलता है, जो आपकी सैलरी
सैलरी में ऐड हो जाता है। तो आप ये सुन ही लिए होंगे, प्रिया ने आपको बता दिया सैलरी के बारे में, सबसे ज्यादा आप लोग इसी के बारे में सुनना चाहते हो, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। खैर रुपया के अगर पैसा नहीं मिलता तो जीवन का भी कोई मतलब नहीं है, नौकरी का भी मतलब नहीं है, मुझे पता है इनका भी। जैसे टोटल सैलरी जो है, मतलब आप ये मत सोचिएगा कि 21,700 अगर मैंने बताया है तो वो मैंने मूल वेतन बताया है, ये आपकी पूरी सैलरी कंप्लीट सैलरी नहीं आएगी, आराम से 32-33 जो है सैलरी आती है। और उसमें से लगभग 33,000 सैलरी अगर आ रही है उसमें से आपका 10% जो है वो एनपीएस कट जाता है। हाँ। तो इस हिसाब से इन हैंड जो है करंट में आपके पास 30,000 के करीब सैलरी से 31,000 आएगी, कम नहीं होता है। और अगर आप जैसे लखनऊ जैसे या कोई ऐसे ग्रेड ए सिटी में हो तो आपका 32-32 भी बन जाएगा मेरे ख्याल से, इन हैंड बन जाएगा। तो उसके लिए चिंता मत करो, बाकी तो आप लोग निकाल लोगे पैसा, मुझे पता है अच्छे से सैलरी निकाल लोगे आपका। अगर यहाँ पे देखा जाए तो राजस्व विभाग में ही जिस विभाग में ये है 1,150 सबसे ज्यादा है, और अभी ये तो 3800 वाला जो लिस्ट है बाद में जुड़ के जो 5512 हुआ है उसमें देखा जाए तो जिस पद पे हैं वो उसके अभी इसमें जोड़ा गया है। जैसे भूमि अध्याप्तिका, भूमि अध्याप्ति जनरली SLAO बोलते हैं, लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट होता है, जो अधिग्रहण वगैरह होते हैं उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं वही होता है। इसके लिए आप लोग बता दूं आपको वो सारी चीजें, शिक्षा विभाग, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, इधर थोड़ा जाइए बच्चे थोड़ा देख लें, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंचाई और निर्वाचन विभाग हो गया, वन्य जीव विभाग हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई यहाँ पे। भूमि अध्याप्ति ये वाली मैं बोल रहा था, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ पे आपके 39 पद हैं स्थायी, इसमें अभी ये कहते हैं यहाँ पे पद बहुत कम ही आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब लड़कों के लिए बहुत अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा नहीं है। परिवहन विभाग है, ऐसे तो ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से है, इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, एक एक जितने पद हैं उन सब के बारे में आपको सूचना दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर हुए होंगे और प्रिया ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी, और अगर आपका क्लियर हो गया हो तो मुझे तो नहीं बोलते लेकिन मैम को थैंक यू जरूर आप लोग बोलिएगा। और सेशन पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्यों जी। और जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम जान पाए कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं और नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आए वो आपकी समस्या। और मैं इन्हें कसम दिलाता हूँ कि सारा का रिप्लाई यही करेंगी, मैं उसे मैं रिप्लाई भी नहीं करने जाऊंगा, तो ये आराम से एक मेरा जो वर्कलोड है थोड़ा और कम कर लेंगी, सारा रिप्लाई आपको दे देंगी अच्छे से। जितने भी आप कमेंट, जो भर भर के कमेंट करना है वो करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे देखें तो नए बैच है, इससे आप अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि 499 ये आपका बैच का प्राइस है, लेकिन अभी अगले 24 घंटे के लिए अगर आप होली कोड लगाओगे कैपिटल में बेटा तो ये आपको मात्र 249 में मिल जाएगा, और 249 में आपको सारे सब्जेक्ट, मतलब कंप्यूटर हो, यूपी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, सारा सबका आपका जो नोट्स है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ये आप जैसे डेमो देख सकते हैं, ये ऐप पे ऐसे जाएंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, ऐसे ओपन आएगा, बाई करेंगे, बाई नाउ करने के बाद जब आप करेंगे तो इंटर करेंगे, व्यू का ऑप्शन आएगा, जब व्यू करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए साइंस की सारी चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ पे रिकॉर्डेड सेक्शन में टाइम टेबल, साइंस, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, बहुत बेहतरीन क्लासेस भी चल रही हैं, इसमें एक एक वीडियो फ्री भी होंगी, डेमो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे चैप्टर में जाओगे तो अलग अलग चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, और फिर आप जैसे किसी भी जाते हो PDF नोट्स में जाते हो, PDF डाउनलोड करना है, PDF को डाउनलोड करना है तो भूगोल PDF पे जाएंगे, व्यू PDF करेंगे, ओपन होकर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड का आएगा, ओपन भी आएगा, प्रिंट से आप अपने स्पेस शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, और प्रिंट भी निकलवा सकते हो, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है, इसका डेमो भी सब देख सकते हो। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है, और एक बार पुनः इस वीडियो के अंत में हम दोनों ही लोग आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करना चाहेंगे, और वीडियो पसंद है तो भाई लाइक अवश्य करिएगा, और वीडियो को तो लाइक शेयर करिएगा ही, बट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट से संबंधित आपकी क्वेरीज है वो है ना सब कुछ आपका ये क्लियर कर देंगी, और बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, जो भी जिस भी तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से क्लियर कर देंगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।